Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. आजकल फोन्स का स्क्रीन्स बड़े होते जा रहे हैं. पहले 5.5 इंच के स्क्रीन्स बड़ा माना जाता था. पहले मतलब जब मैंने फोन लिया था, पहला फोन था मेरा कैनवस 2.2, ठीक है. उस टाइम पे 5 इंच का फोन बहुत बड़ा माना जाता था, पर आजकल 5.5 इंच छोटा माना जाता है. और आजकल तो 6.6 इंच, 7 इंच, 7 इंच पे आने वाला है. मतलब फ्यूचर में मतलब 6.6 इंच के फोन आते हैं. मतलब यार वो फोन हाथ में भी नहीं आ पाते, ठीक है. मतलब उसका टॉप को रीच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है. मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूँ इस कैमरा में, चेक करना. ये एक ऐप है जिसकी वजह से मैं अपने आप को चेक कर पाता हूँ, ठीक है. वो बताना चाहता था कि मैं शूट कैसा कर रहा हूँ. ये सब बिहाइंड द सीन्स है, मैं कभी कभी दिखाऊंगा एक को अपने को, ठीक है. उसके लिए स्टे ट्यून रहेगा. मैं कभी बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी डाला करूँगा. तो अभी टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं. तो आजकल फोन्स का स्क्रीन बड़े होते जा रहे हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन बार है इसे रीच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लाया हूँ, एक ऐप लाया हूँ. इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन बार है इसे नीचे ला सकते हैं. तो नीचे से नोटिफिकेशन बार को एक्सेस करना काफ़ी ईजी हो जाता है. आपको पता होगा वीवो का जो UI है उसे क्या कहते हैं, वीवो को UI का इमोशन नहीं फ्रंटेज OS कहते हैं. वीवो का जो UI है उसे फ्रंटेज OS कहते हैं, ठीक है. तो फ्रंटेज OS में क्या होता है ना, नीचे से आता है नोटिफिकेशन बार. तो ये काफ़ी इजी होता है जब आपका फोन का स्क्रीन साइज 6.6 इंच या 6.4 इंच या 6.2 इंच भी हो, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है. तो मैं एक ऐप आपको बताने वाला हूँ जिसके तहत आप आपका जो स्क्रीन का नोटिफिकेशन बार है उसे नीचे से ला सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, बिना कहीं मैं जाना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाता रहता हूँ. ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर दीजिए, जो कनेक्ट कर दीजिए. और अमेजॉन एफिलिएट लिंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. जो भी सामान खरीदते हो उसी लिंक से कर देगा, चैनल को हेल्प होता है. और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो ऐप का आइकन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. और ऐप का नाम है miuify नोटिफिकेशन शेयर. टॉम बैले ने बनाया है, ठीक है भाई. नाम ही काफ़ी अजीब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है. तो ओपन करते हैं. ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है. स्वाइप लेफ्ट टू गेट स्टार्टेड. और हमें इसे थोड़ा परमिशंस देना है. इसे परमिशंस दे देते हैं. तो परमिशंस काफ़ी सेफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप परमिशन दे सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये वाला परमिशन भी दे देते हैं और शो नोटिफिकेशन वाला परमिशन भी दे देते हैं. तीनों परमिशन देना ज़रूरी है, तभी काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है. और उसके बाद गेट स्टार्टेड, ये हो गया गेट स्टार्टेड. और इस पर क्लिक कर देते हैं. उसके बाद ये हो गया हैंडल सर्विस नॉट रनिंग, इसे सर्विस को इनेबल कर देते हैं. और ये हो गया गेट स्टार्टेड. आप देख सकते हैं कि अभी हमें नीचे से नोटिफिकेशन बार मिल चुका है, ठीक है. और यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीज़ नहीं करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा तो आपको स्क्रीन सही से नहीं दिखेगा. मैं इसे डिम ही कर देता हूँ, ठीक है. और उसके बाद इसे इनलार्ज कर सकते हैं. और वाईफाई को ऑफ कर सकता हूँ, मोबाइल डाटा को ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ. तो परमिशन नॉट ग्रांटेड है, इसे मैं कर देता हूँ. अच्छा, इसके लिए मुझे ADB परमिशन चाहिए, ठीक है. इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ. और बहुत सारे चीज़ें मैं दिखा देता हूँ. जैसे मैं टाइल्स में जा सकता हूँ और टाइल्स में जाके मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ. जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे इतने सारे टाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, मैं इतने सारे टाइल्स में इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं स्लाइडर्स में जा सकता हूँ. और मैं स्लाइडर्स में मीडिया वॉल्यूम को ऑन कर सकता हूँ, अलार्म वॉल्यूम ऑन कर सकता हूँ, रिंग वॉल्यूम और नोटिफिकेशन वॉल्यूम ऑन कर सकता हूँ, ठीक है. अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ इतने सारे वॉल्यूम्स मेरे को मिल जाएंगे. मैं इन सारे वॉल्यूम्स को डिक्रीज इंक्रीज कर सकता हूँ. अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है. उसके बाद मैं वापस सेटिंग्स में जाता हूँ. और यहाँ पे मैं जाता हूँ कलर्स पे. मैं कलर्स में भी जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ, पर इसके लिए मेरे को इसका प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ेगा. जब आप इसका प्रीमियम वर्जन बाय करेंगे, आप देख सकते हैं कि आप इस पर कलर्स भी ऐड कर सकते हैं. तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो प्रीमियम वर्जन देख लेते हैं. बाय करने के लिए 98 रुपीज़ है. तो आप 98 रुपीज़ देकर प्रीमियम वर्जन भी बाय कर सकते हैं. वरना तो आपको पता है क्या करना है, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि स्ट्राइक लग जाएगा, ठीक है. उसके बाद नोटिफिकेशन है. आप नोटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं. नोटिफिकेशन आना कि नहीं उसके लिए भी आपको प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ेगा. उसके बाद देखते हैं बॉटम स्टेटस बार के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा. उसे शो बॉटम स्टेटस बार, ठीक है. सिक्योर राइट सेटिंग्स, ठीक है. उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना था, मैं भूल रहा हूँ यार. सर्विस रनिंग टाइल्स में आपको क्या क्या ऐड करना था एक बार, ठीक है. इसके लिए भी परचेज ऑप्शन दिखा रहे हैं क्या.
अच्छा ये सब प्रीमियम सेटिंग्स में आ गया। पहले तो ये क्या कर सकते थे, आप URL ऐड कर सकते थे, कोई ऐप ऐड कर सकते थे यहाँ पे, मतलब नीचे से जब आप इसे ऐसा खोलोगे ना, मतलब नीचे से जब, एक सेकंड मैं बैक कर रहा हूँ, नीचे से जब आप यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, कोई भी ऐप डाल सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे वाईफाई ऑल ऑप्शन है ना, तो उस जगह पे आप किसी ऐप को डाल सकते थे और कोई URL डाल सकते थे और कोई रीसेंट नोटिफिकेशंस डाल सकते थे, तो वैसा वैसा ऑप्शन था। और यहाँ पे सेटिंग्स भी आप जा सकते हैं इजीली, तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाती है। तो इसके लिए आपको 98 rupees पे करना पड़ेगा, तो आप अगर पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। तो प्ले स्टोर में इसका डार्क थीम वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो मेरा तो कहना ये रहेगा कि अगर आपको फ़ोन काफ़ी बड़ा है तो आप पे करके 98 rupees पे करके इसका प्रीमियम वर्जन खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ऐप है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास काफ़ी छोटा ही फ़ोन है, अगर आप इसे बस ऐसी मस्ती के मजाक के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप पे मत करिएगा, बस नॉर्मली इस ऐप को यूज़ करिएगा। पर अगर आपका फ़ोन काफ़ी बड़ा है, अगर आपको 98 rupees चीप लगता है, तो आप 98 rupees पे करके भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐप अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ऐप है काफ़ी यूजफुल लगा होगा। अब आपको ऊपर से नोटिफिकेशन बार को खींचने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से खींच सकते हो और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐप्स को डाल सकते हो और नीचे से ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर आप ऐसी यूज़फुल ऐप्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब का आइकन दबा दो और ऑल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक क्या और इंस्टाग्राम और ट्विटर जी मैं भूल जाता हूँ यार, वीडियोज़ के बीच में भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, पर्सनली हम बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और Amazon affiliate लिंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो भी सामान खरीद रहे हो उसी लिंक से कर देगा, चैनल को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।